बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केयर ऑफ फूड ड्यूरिंग कुकिंग। हम जब खाना बनाते हैं तब हमें फूड का कैसे केयर रखना चाहिए, अभी पढ़ेंगे। वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर फूड्स। वी शुड टेक द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर कितना पॉइंट्स दिया गया, ये सबको अगर हमें क्या रखेंगे, ये सबको हम ध्यान देंगे तो हमारे खाने में भी बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। जैसे कि देखो, पहला पॉइंट क्या है, फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन। मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आल्सो गेट लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस। फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो मच न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन। जब हम खाना बनाते हैं तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चला भी जाता है, लेकिन मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आल्सो गेट लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस। लेकिन हम खाना बनाते बनाते वक्त ही हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे नहीं लॉस्ट होगा, कैसे नहीं उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं चला जाएगा, वो भी हम कर सकते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश बिफोर पीलिंग एंड कटिंग देम। अगर हम किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खा रहे हैं या फिर कट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले हमें उसको पानी से वॉश करना चाहिए, वाटर से वॉश करना चाहिए। अदरवाइज मैनी विटामिन्स मे गेट लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग प्रोसेस। इसको भी फिर से अच्छे से धोना चाहिए, वरना वहाँ पे जितना भी विटामिन्स होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, राइस एंड पल्सेस शुड नॉट बी वॉश रिपीटेडली, इट कैन रिमूव मैनी इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो, राइस एंड पल्सेस जो होते हैं उसको, राइस मतलब जानते हो चावल और पल्सेस मतलब जो दाल के चीज जो होते हैं, तो राइस और पल्सेस को हमें ज़्यादा रिपीटेडली मतलब लगातार उसको वॉश नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रिपीटेडली उसको वॉश करेंगे तो क्या होगा, वहाँ जितना इम्पोर्टेंट विटामिन्स मिनरल्स होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, वो सारा चला जाएगा। फोर नंबर पॉइंट, ओवर कुकिंग ऑफ फूड रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। हमें जो भी चीज़ को ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना पकाओगे तो क्या होगा, सारा न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा, उसे चला जाएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट, यूजिंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोइंग अवे रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स। अब अगर तुम खाना पकाते वक्त ही ज़्यादा वहाँ पर पानी डाल रहे हो तो उससे भी सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। तुम्हें तो खाना पकाने में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ सोन रेयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डाइट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। विटामिन सी इजीली गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। यूज ऑफ सोन रेयर वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स इन आवर डाइट फुलफिल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। तो ऐसे करके बहुत सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जो हम विटामिन सी के होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रिक्वायरमेंट। विटामिन सी इजीली गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर तुम खाना पकाओगे, विटामिन सी वाले खाना अगर पकाओगे तो वो जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो जल्द ही खराब हो जाता है।